बंधुगण, आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता, राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी की कल ईडी ने गिरफ्तारी की है। शराब घोटाले के केस में गिरफ्तारी हुआ है और उसको लेकर जिस प्रकार की राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है, ये आज पूरा देश देख रहा है। यह आम आदमी पार्टी का चरित्र है, सीना ठोक करके घोटाला करो और जब पकड़े जाओ तो उस पर राजनीति आरंभ कर दो। मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी से कि अभी 3-4 दिन पहले पंजाब में सुखविंदर सिंह कैरा, जो पंजाब के कांग्रेस के विधायक हैं, ड्रग्स केस में उनकी गिरफ्तारी होती है, उनको ड्रग्स के केस में अरेस्ट किया जाता है, पुराना केस था, केस चल रहा था, गिरफ्तारी होती है। आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। जब पंजाब में जहां आपकी सरकार है वहां पर कांग्रेस, जो आपकी विपक्षी पार्टी है, जब उसके सदस्य और उसके विधायक गिरफ्तार होते हैं तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, और जब आपके विधायक या आपके सांसद गिरफ्तार होते हैं शराब घोटाले में, वहां ड्रग्स का केस था, यहां शराब का केस है, तो आप कहते हैं लॉ शुड नॉट टेक इट्स कोर्स। ये तो बौखलाहट का मामला है। ये डबल स्टैंडर्ड आखिरकार क्यों है? यह सवाल भारतीय जनता पार्टी आज आम आदमी पार्टी से पूछना चाहती है। बंधुगण, आखिरकार ये शराब घोटाला क्या है और ये जो गिरफ्तारी हुई है संजय सिंह जी की, ये क्यों हुई है? आप सभी जानते हैं 2022 में शराब घोटाले को लेकर, ये जो लिकर स्कैम हुआ था दिल्ली के अंदर, इस शराब घोटाले को लेकर सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक केस दर्ज किया था। क्योंकि इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी और जहां भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है वहां प्रवर्तन निदेशालय, अर्थात जिसको अंग्रेजी में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी कहते हैं, वह भी केस दर्ज करता है। और चूंकि यहां मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी इसलिए ईडी ने भी केस दर्ज किया। कई लोग इसमें जेल में गए, मनीष सिसोदिया जेल में गए, कुछ अधिकारी भी इसमें जेल में गए हैं और कुछ व्यवसायी जो इस पूरे प्रक्रिया में घोटाले में जुड़े हुए थे वो भी जेल में गए। आप सभी जानते हैं कि कुछ व्यवसायी जो जेल में गए थे, कुछ बिजनेसमैन जो जेल में गए थे एक्साइज स्कैम में, शराब घोटाले में, उनमें से एक दिनेश अरोड़ा थे। आगे चलकर दिनेश अरोड़ा ने कहा कि मैं गवाही दूंगा, मैं अप्रूवर बनूंगा। वो अप्रूवर बने और जब दिनेश अरोड़ा अप्रूवर बने तो जिस प्रकार की बातों को उन्होंने सामने रखा वो आज पब्लिक डोमेन में है। मैं जो भी कह रहा हूं अपने मन से नहीं कह रहा, मेरे पास कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है जो किसी और ने मुझे बताया है, ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। दैट दिनेश अरोड़ा टर्न्ड इनटू एन अप्रूवर। एक बार अप्रूवर बनने के पश्चात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातों की खुलासा की। किन बातों की खुलासा दिनेश अरोड़ा ने किया? दिनेश अरोड़ा जो अप्रूवर है उसने कहा 2020 में, 2020 में संजय सिंह जी ने फोन किया दिनेश अरोड़ा को और संजय सिंह जी ने मुलाकात की दिनेश अरोड़ा के साथ। दिनेश अरोड़ा जो बिजनेसमैन है, जो रेस्टोरेंट चलाते हैं दिल्ली में, उनको संजय सिंह जी ने 2020 में फोन करके कहा कि चुनाव दिल्ली के आ रहे हैं, मोटा पैसा इकट्ठा करना है, आप रेस्टोरेंट और बार वालों से बात करो और ये पैसा इकट्ठे करने का काम करो। और आप देखिए किस प्रकार से इस बात को लेकर पैसा इकट्ठा करने का काम दिनेश अरोड़ा ने पूरे दिल्ली में बिजनेसमैन और बार के जो सदस्य थे उनको लेकर, उन्होंने रेस्टोरेंट और बार के जो लोग थे उनको लेकर एक मोटा माल इकट्ठा दिनेश अरोड़ा ने किया। और केवल संजय सिंह ही इन्वॉल्व हो ऐसी बात नहीं है, संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया से भी मिलवाया और बाद में लाखों में पैसा कलेक्शन करके ये पैसा मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के हवाले दिनेश अरोड़ा ने किया। बदले में क्या मिला? बदले में दिनेश अरोड़ा को क्या मिला, जिसको अंग्रेजी में क्विड प्रो को कहते हैं, आप अगर चार्जशीट पढ़ेंगे तो दिनेश अरोड़ा खुद स्वीकार करते हैं कि उनका कोई मामला एक्साइज डिपार्टमेंट में फंसा हुआ था। Some of his issues were stuck in the excise department.
और बदले में दिनेश अरोड़ा ने कहा, मैंने मोटा माल इकट्ठा किया है, ये पैसा मैंने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को दिया है संजय सिंह के कहने पर, तो मुझे इस एक्साइज के केस से निकाला जाए, मुझे इस एक्साइज के काम में मदद की जाए। मनीष सिसोदिया ने संजय सिंह के कहने पर एक्साइज के केस में मदद करते हुए दिनेश अरोड़ा को मदद दिया। तो आप सोच के देखिए किस प्रकार से एक क्विड प्रो को का मामला बनाया गया, किस प्रकार से इस विषय को एक दूसरे के लिए मदद की गई। बंधुगण, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि इतना बड़ा मामला होने के बाद भी जब जनवरी में एक्साइज डिपार्टमेंट ने ईडी ने संजय सिंह के नाम को अपने चार्जशीट में दाखिल किया, चार्जशीट में लगाया, उस समय काफी हंगामा और बवाल कटा। आपको याद होगा संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि ईडी ने गलती से मेरे नाम को अपने चार्जशीट में लिखा है। केवल संजय सिंह नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा कि संजय सिंह ने हड़का दिया ईडी को, पैंट गीली हो गई इत्यादि इत्यादि। मगर वास्तविकता यह थी कि ईडी ने संजय सिंह जी के नाम को अपने चार्जशीट में चार जगह लेखांकित किया था कि अरविंद केजरीवाल कल रात को कह रहे थे कि संजय सिंह के घर से कुछ नहीं निकला, अगर कुछ नहीं निकला तो गिरफ्तारी कैसी हो सकती है। आप मुझे ये बताइए कि जो पिक पॉकेटर होता है, जो जेब कतरा होता है, जब जेब कतरा पकड़ा जाता है तो उसके घर से, उसके जेब से बटुआ निकलता है, उसके जेब से एक पर्स निकलता है। जब चेन स्नैचर पकड़ा जाता है तो उसके घर से, उसके जेब से वो सोने की चेन निकलती है जिसे छीन के वो भाग रहा होता है। जब चिंदी चोर पकड़ा जाता है, छोटा सा चोर पकड़ा जाता है, तो उसके घर से टूटी बकेट जो इत्यादि वो चोरी का सामान इकट्ठा करता है, वो चोरी का सामान निकलता है। जब डकैत पकड़ा जाता है तो उसके घर से छर्रे और कट्टे पकड़े जाते हैं। मगर जब भ्रष्टाचार का डॉन पकड़ा जाता है तो उसके घर से बटुआ नहीं निकलता, उसके घर से चेन नहीं निकलता, उसके घर से कोई चोरी का टोटी नहीं निकलता, उसके घर से छर्रे और बंदूक नहीं निकलते, उसके घर से इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स अर्थात दस्तावेज निकलता है। दस्तावेज जो कई बार मोबाइल फोन के अंदर और कई बार लैपटॉप के अंदर बंद होता है, ऐसे दस्तावेज निकलते हैं। और आज मैं सूत्रों के हवाले से कह सकता हूं, मीडिया के सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि जिस प्रकार कल रेड हुआ संजय सिंह जी के घर में और जो दस्तावेज संजय सिंह जी के घर से निकले हैं वो आम आदमी पार्टी के बहुत ऊपर तक पहुंच रहे हैं, इंगित बहुत ऊपर तक हो रहा है। एज फार एज द इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स दैट हैव बीन प्रोक्योर्ड फ्रॉम द हाउस इन द प्रमाइसेस ऑफ संजय सिंह इज कंसर्न, एज फार एज मीडिया सोर्सेज आर टू बी बिलीव्ड, दे से दैट दीज डॉक्यूमेंट्स आर गोइंग टू इंक्रीमेंट, दीज आर गोइंग टू इनफैक्ट ये फंसाएगी, ये किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति को फंसाएगी जो आम आदमी पार्टी के चेन में बहुत बड़ा है। और कानून में साधारण था असेंडिंग ऑर्डर में गिरफ्तारी होती, पहला छोटा चोर पकड़ा जाता है, उसके घर से फिर कागज निकलता है, फिर वो बताता है कि अरे मुझे तो फलाने ने बताया था, उसके बाद बड़ा चोर पकड़ा जाता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा चोर और पकड़ा जाता है, और अंततो गत्वा सबसे बड़ा जिसके कहने पर यह सब कुछ हुआ था वो पकड़ा जाता है। इस कारण से इसमें किसी प्रकार का संदेह मत रखिए कि किसी को छोड़ा जाएगा जो लोग इन्वॉल्व हैं इस शराब घोटाले में, क्योंकि इसमें करोड़ों के राजस्व की नुकसान हुई, करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा।